पर दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा इस समय बहुत ज़्यादा रोती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मीत हुड्डा से यशोदा बोलती हुई नजर आ रही हैं कि बेटी इस समय तुम्हें ही हमारा बेटे मनमीत का ख्याल रखना पड़ेगा। आप लोग जानते ही हैं कि यशोदा जो मनमीत की मॉम है उसे इस समय मीत हुड्डा पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। लेकिन दोस्तों वहीं बात की जाए तो पहले से ही शगुन की बात की जाए तो उसने जो अटैक किया था मनमीत के ऊपर, अब वो खुश हो रही है कि मेरी शकल तो देखी नहीं है, इन्हें लग रहा है मनमीत को ये लगेगा कि मीत हुड्डा ने की है, इसलिए मीत हुड्डा को इसकी नफरत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मीत हुड्डा को तो ये सपने में भी नहीं पता कि किसी ने मेरा गेटअप लेके और ये हरकत की है, अटैक जो किया है वाकई में मनमीत पहलवान के पीठ पर वो शगुन ने किया था, वो भी मीत हुड्डा बनकर। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हॉस्पिटल के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल नज़र आ रहा है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा रोती हुई नज़र आ रही है और रोने के वाकई में आप लोग जानते ही हैं कि इस समय काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प कहानी हो चुकी है, क्योंकि रोना तो हो रहा है मीत हुड्डा का, लेकिन मीत हुड्डा को ये नहीं पता कि आखिरकार ये घटना किसने घटी है और किस चीज़ का बदला निकाला है। क्योंकि शगुन ने पहले ही बोल दिया था कि मैं इस मीत हुड्डा को ऐसे यहाँ से निकाल फेंक दूंगी कि ये सोच भी नहीं सकती। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आगे कहानी में और भी एक नया दिलचस्प मोड़ आ चुका है, और नई कहानी में दिलचस्प मोड़ क्या है ये भी आप लोग जानते ही होंगे। क्योंकि बात की जाए इस समय की तो सभी लोगों को ये भी पता है कि इस समय मनमीत पहलवान जो इस समय हॉस्पिटल के अंदर है वो जागने के बाद में मीत हुड्डा को देखता ही रह जाएगा कि आखिरकार मीत हुड्डा की पूरी मनसा क्या है मेरे लिए। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा इस कैसे लगी वीडियो। थैंक।